हेलो, आज हम चर्चा करेंगे एक जो सजेस्टिबल सेंटेंस है उसके बारे में। एमिल कोए नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने दुनिया को एक मंत्र दिया और वो मंत्र से हजारों लोगों के जीवन में बहुत फर्क पड़ा। तो एमिल कोए ने बोला कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। वो मंत्र लोगों ने इतना अच्छा अपनाया और हजारों क्या लाखों लोगों के जीवन में फर्क पड़ गया। उसका क्या मतलब, उसका अर्थ क्या होता आपको बताता हूं। एवरी डे इन एवरी वे मतलब हर रोज और हर तरह से, इन एवरी वे हर रोज और हर तरह से मैं रोज बेहतर और बेहतर बनता जा रहा हूं। हमने देखा गोल सेटिंग के मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे गोल्स रहते हैं, तो गोल जब हमारे रहते हैं कि हमको उद्देश्य उद्दिष्ट हमको साध्य क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, तो उसमें हमारे जो टारगेट है वो सब बैलेंस होना चाहिए। एवरीडे एवरीवे सब तरह से और रोज, मतलब जो टारगेट है वो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं मेरे फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, मैं फैमिली की तरफ ध्यान दे रहा हूं तो मेरे सेहत की तरफ ध्यान दूंगा नहीं, या जो मेरा स्पिरिचुअल लेवल है मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है उसके ऊपर ध्यान दूंगा नहीं, या मेरे जो मतलब आर्थिक सुबत्ता जो मेरी है या फाइनेंशियल स्टेटस जो उसके ऊपर ध्यान दूंगा, मतलब फाइनेंस रहो, खुद का हेल्थ रहो, मतलब फिटनेस रहो, फैमिली है, खुद का एजुकेशन है, बच्चों का एजुकेशन है, फिर इनकम जैसा देखा तो इनकम का इनकम साथ में आता है इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद में अपना जो मकान है उसके लिए हम हमारा वो टारगेट रहता है। तो ऐसे मतलब सब तरह हमारा हमको जो जो चाहिए तो वो बैलेंस होना चाहिए, और जब बैलेंस रहता है तो फिर वो टारगेट हम अचीव करते तो उसमें मजा है। क्योंकि एकाद्रे समझो एकाद्रे व्यक्ति ने टारगेट रखा कि नहीं मुझे डॉक्टर बनने का है, मगर उसमें उसकी हेल्थ खराब हो गई तो डॉक्टर बन के वैसे भी क्या फायदा। एक बार एक राजा किंग वो पिकासो जो था उसके पास में गया और पिकासो को उसने बताया कि मैं मुझे मेरा पोर्ट्रेट बना के दे। तो पिकासो ने ठीक है मैं दे दूंगा। तो राजा ने बोला कि भाई ठीक है उसके कितने पैसे लगे। बोले आपको इतना इतना खर्चा है। बोले उसमें क्या है, आप थोड़े से कलर लेते हो, थोड़ा इधर डालते थोड़ा इधर डालते, तो उसमें इतना पैसा लगना चाहिए, मैं तुमको इतना ही पैसा दूंगा। बोले ठीक है कल आ जाओ मैं दे दूंगा। राजा पिकासो के पास में दूसरे दिन जाता है और जब वो जाता है तो उसने कुछ पीले रंग मतलब पीले जो पीला जो पेंट का कलर से वो डाले हुए थे, कहीं हरे डाले हुए थे, कहीं नीले डाले हुए थे, और उसमें ऐसे डाल के उसको दे दिया। बोले ले लो, बोले पोर्ट्रेट है ये तो आपने कलर सिर्फ मार दी इधर उधर थोड़े से, और आप मुझे बोल रहे कि भैया पोर्ट्रेट टायर हो गए। बोले आपने तो बोला इधर उधर कलर मारना पड़ता है और पोर्ट्रेट टायर हमने मार दिए। बोले कलर मारने से होता नहीं, वो बैलेंसिंग कलर का जब होता है तो वो महत्व का उससे पोर्ट्रेट टायर हो जाता है। तो बैलेंसिंग के महत्व का जो है कलर के लिए और पोर्ट्रेट टायर करने के लिए, वैसे ही बैलेंसिंग हमारे लाइफ में जरूरी है कि हम जीवन के हर एरिया में बैलेंस्ड लाइफ हमें जीना चाहिए। सब तरह हमारे इक्वल मतलब जैसा जो डेवलपमेंट है प्रगति है वो सब तरह होना चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है। फिर एवरी डे इन एवरी वे हर रोज होना चाहिए, मतलब जैसा कलर आर्ट इसमें मुझे फर्क देखना चाहिए। जैसा वो जापानी एक टेक्निक है उसको बोलते कैन आई मतलब कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। कैन आई कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, मतलब रोज मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, रोज डेली इंप्रूवमेंट करूंगा। जो कल का था वो आज नहीं, आज का है वो कल नहीं, कल और कुछ तो नया। एक बार सोक्रेटिस जब जेल में था उसको दूसरे दिन पॉइजन लेके मरना था, तो सोक्रेटिस ने वो जेलर को बोला कि मुझे एक किताब लाके दो, मुझे ये किताब पढ़ने की। तो जेलर ने बोला कि वैसे भी तो आप कल पॉइजन लेके मरने वाले हैं, तो अब ये किताब पढ़ के क्या करेंगे। बोले मैं कल मरने वाला हूं मुझे मालूम है, मगर ये किताब पढ़ के मैं थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट बन के मरूंगा। उसको ज्यादा इंटेलिजेंट बन के मरना, कुछ ना कुछ नया करना है और नया करके ही काम करने का।
फिर दूसरा हमको ये और एक लगता है कि भाई हम जो है ना हमारे काम के ऊपर प्यार नहीं करते और फिर बढ़ोतरी होती नहीं और फिर प्रगति है ना हमारा जो डेवलपमेंट है जो आगे बढ़ना है वो होता नहीं। उसके लिए मुझे एक जो जैसा मैंने कहीं और वीडियो में बोला हुआ है कि अपने प्यार अपने काम के ऊपर प्यार करना चालू करो, वो करेंगे तो बहुत मजा आएगा और रोज आपका मतलब डेवलपमेंट होता जाएगा, रोज आपका मतलब प्रोग्रेस होता जाएगा। यहां मुझे एक और एक कहानी याद आती है कि अमेरिकन रेलवे का जो चीफ था तो वो मर्फी नाम का व्यक्ति था जो अमेरिकन रेलवे का चीफ था और देव एंडरसन जो था वो अमेरिकन रेलवे में एक कर्मचारी करके था। तो ये देव एंडरसन जो है वो काफी सारे कर्मचारी उनके साथ में रेलवे ट्रैक के ऊपर वो ट्रैक यूज करने का काम कर रहे थे और उधर से एक इंजन और एक उसको लग के एसी कोच दूर से आते हुए देखा होंगे। उन्होंने दूर से वो इंजन और उसका एसी कोच रुक गए और वहां से एक आदमी बाहर निकला, एसी का दरवाजा खोल के बाहर निकला हुआ था मर्फी। उसने जोर से चिल्लाया देव क्या करना है आ जाओ जल्दी, और जैसा वो देव उसके पास में गया उन्हें दोनों गले मिले, वो एसी कोच में देव गया अंदर, दोनों बैठे बहुत गप्पे वप्पे मारे। अब ये जो इंजन और उसका एसी कोच था वो भी ट्रैक का जब ऐसा सुपरवाइज कर देखभाल कर रहे थे कि बराबर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये एक्चुअली ट्रैक यूज कर रहे थे। जो मर्फी था वो अमेरिकन रेलवे का चीफ था। तो थोड़ी देर के बाद में हंसी मजाक हो गई, खान पान हो गया उनका, और मर्फी जो है वो कोच में बैठा और इंजन वो कोच को लेकर दूर चले गए। देव के पास में देव एंडरसन उसके पास में जो लोग थे कर्मचारी थे वो बोले कि भाई ये व्यक्ति आपके कैसे पहचानता है, ये है कौन? बोले कि अरे आपको पता नहीं है जो रेलवे में हम कर्मचारी है वही रेलवे का जो चीफ है वो जो है वो मर्फी है, आपने पहचाना नहीं उसको, वो है। बोले फिर आपकी कैसे उसकी दोस्ती है, वो इतना बड़ा आप यहां ऐसे कैसे हुआ? बोले मर्फी और मैं हम दोनों 20 साल पहले अमेरिकन रेलवे में यही पोस्ट पे काम करना शुरू किए थे। जब मैं काम कर रहा था तो मैंने डॉलर के लिए कि मेरे को $1 रोज मिलेगा, मैं पैसे के लिए काम कर रहा था, डॉलर के लिए काम कर रहा था, और मर्फी पहले दिन से अमेरिकन रेलवे के लिए काम कर रहा था। तो जब अमेरिकन रेलवे के लिए काम कर रहा था तो अमेरिकन रेलवे का चीफ बन गया, और मैं पैसे के लिए काम कर रहा था, मैं कर्मचारी का कर्मचारी रह गया। तो आपके पार्श्वों में क्या है काम करने के, आपके पीछे क्या है, संदर्भ क्या है आपके काम करने का, बहुत महत्व का रहता है और वो काम को देता है, फिर वहां से आपकी डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है और आप कहीं कहीं निकल जाते हैं। तो वो बहुत ही जरूरी है कि आप होते काम और आप आपके काम के ऊपर प्यार करते कि नहीं। तो एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, रोज मैं अच्छा होते जा रहा हूँ, रोज मैं अच्छा होते जा रहा हूँ, और वो बहुत महत्व। अधिक जानकारी हेतु आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, मेरे काफी सारे वीडियोस हैं YouTube के ऊपर, उसको आप शेयर करो, लाइक करो, और आप Facebook के ऊपर भी पेज को लाइक कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।